हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जोरवाल टेक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अटेंडेंट का रिजर्वेशन कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, अटेंडेंट का रिजर्वेशन किस तरीके से किया जाए, हो नहीं रहा था काफ़ी लोगों का। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा कि आपने अगर अटेंडेंट का पास लिया है तो उसके द्वारा आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर उस अटेंडेंट का रिजर्वेशन किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, मैंने खुद ने किया है ये रिजर्वेशन और आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपको ये रिजर्वेशन करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज मिल सकें आपको सबसे पहले और आप रह सके अप टू डेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे हम IRCTC की वेबसाइट से अटेंडेंट का टिकट बुक करेंगे। HRMS का ई पास जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे जिसको भी अटेंडेंट का टिकट अटेंडेंट मिलता है वो अटेंडेंट के लिए टिक करता है, देन उसको उस पास पे अटेंडेंट का पास नंबर भी मिलता है। तो सबसे पहले जाते हैं हम गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं। ब्राउज़र खोलने के बाद हम अपना HRMS अकाउंट खोल लेते हैं। तो उसके लिए हम HRMS में जाएंगे और HRMS में जाके लॉगिन करेंगे। अब हम HRMS में लॉगिन हो चुके हैं। HRMS में लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो हम जाते हैं पास, पास सेक्शन में जाते हैं। ये पास का वर्जन 2.0 है। तो हम पास मेन्यू में गए, जाने के बाद हमारे पास है माई इश्यूड पासेज। तो माई इश्यूड पासेज पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इधर हमारे सामने जितने भी पास आपके खाते में इशू हुए हैं, जो आपने अभी तक लिए हैं, वो सबकी लिस्ट आपके सामने दिखाता रहेगा। अब मान लीजिए, सपोज दैट ये एक पास था हमारा, ये हाफ सेट था जो डिब्रूगढ़ टाइम से VRL के लिए था। इसमें ये देखिए, ये अटेंडेंट का पास नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो पास नंबर है ये एम्प्लॉय का खुद का है और ये वाला जो पास नंबर है ये अटेंडेंट का पास नंबर होता है, ये इससे एक अंक ज़्यादा होता है। तो हम इस पास को डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने पास डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद ये पास हमारे सामने ऐसे खुल के आएगा। अब ये देखिए, ये पास है मुकेश कुमार मीना का और इसमें ये एज दे रखी है और ये पास है डिब्रूगढ़ टाउन से वेरावल का, जिसमें ब्रेक जर्नी है PRYJ AGC MTJ DO एंड JP। तो अब हमने क्या किया कि इस पास पे पहले रिजर्वेशन किया एम्प्लॉय का खुद का, ये गाड़ी नंबर रहा 2403 PRYJ से JP और डिपार्चर डेट है इसका 14/5/2021। अब क्या है कि जिस ट्रेन में आप टिकट बुक करते हो तो आप ही के साथ आपका अटेंडेंट का रिजर्वेशन भी आप करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम जाते हैं IRCTC की वेबसाइट पर। IRCTC की वेबसाइट पे जाने के लिए हम IRCTC डालेंगे। डालने के बाद ये फर्स्ट वाली साइट ओपन करेंगे, इसको ओके करेंगे और देन यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, जो भी हमारा IRCTC की साइट पे जो हमने बना रखा है कोई भी हमारा यूजर नेम, उससे लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ OTP डालेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद देखिए, ये लॉग आउट का ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि आप साइन इन हो चुके हो। उसके बाद आपको वही ट्रेन वाले ऑप्शन पे जाना है और पास बुकिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आपको ट्रेन सर्च करनी है कहाँ से, PRYJ, क्योंकि वो रिजर्वेशन हमने प्रयागराज से जयपुर का किया था, तो हम PRYJ से JP। और कितने तारीख का किया था, ये हमने किया था 14 मई का,
तो हम यहाँ से 14 मई की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च ट्रेन करते हैं। सर्च ट्रेन करने के बाद जिस ट्रेन में हमने एम्प्लॉय का खुद का रिजर्वेशन किया था उसी में हमको अटेंडेंट का भी करना है। तो ये देखिए, ये इस वाली ट्रेन में हमने किया था 24:03 में, तो हम यहाँ स्लीपर का रिजर्वेशन उसका होता है अटेंडेंट का, तो हम स्लीपर क्लास ले लेते हैं और बुक नाव पर क्लिक करते हैं। आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये करने के बाद ये देखिए, ये आपसे मांगेगा पैसेंजर का नेम। इसका सेम प्रोसीजर एम्प्लॉय खुद का जैसे करता है वैसे अटेंडेंट का भी करेगा। तो हम पैसेंजर का नाम डाल देते हैं, कोई भी डाल देते हैं, जैसे अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट इसने 16 कैरेक्टर लिए हैं, उससे आगे का ये नाम टाइप होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ अटेंडेंट की एज डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद हम अटेंडेंट का जेंडर क्या है, प्रेफरेंस क्या रहेगा, और यहाँ पे फिर से वही कंसेंशन, पास बुकिंग या जनरल बुकिंग, तो हम पास बुकिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे पास बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे मांगेगा पास नंबर और पास बुकिंग कोड। तो पास नंबर क्या होगा, तो हम फिर से हमारा ई पास खोल लेते हैं। अब देखिए ये तो है अटेंडेंट, ये तो है एम्प्लॉय का पास नंबर, ठीक है, और ये है देखिए अटेंडेंट का पास नंबर 8553569। ये वाला जो नंबर है ये एम्प्लॉय का है और ये वाला जो अटेंडेंट पास नंबर है ये अटेंडेंट का है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये नंबर उसमें डाल देते हैं। अब मांगता है ये हमसे पास बुकिंग कोड। अब पास बुकिंग कोड हम कहाँ से जनरेट करेंगे, इसके लिए हम फिर से हमारे एचआरएमएस की आईडी पे जाएंगे और ये जो पास था, यही जो हमारा पास था, इसी के आगे हम जनरेट ओटीपी या रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओके हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा इस पास के लिए जो बुकिंग कोड है वो जनरेट हो चुका है और ये एक दिन के लिए वैलिड रहता है, यानी कि 24 आवर के लिए ये वैलिड रहता है। एम्प्लॉय के खुद के पास के लिए और अटेंडेंट के पास के लिए दोनों के ओटीपी जनरेट यहीं से होती है। बट इसमें क्या होगा, पहले आपको एम्प्लॉय का रिजर्वेशन करना होगा, देन आप अटेंडेंट का रिजर्वेशन कर सकते हो। अब हमारे पास मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, तो अब हम जाते हैं IRCTC की वेबसाइट पे फिर से और पास बुकिंग कोड डाल देते हैं। ये हमने 4 डिजिट का वो डाल दिया, पास बुकिंग कोड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम कॉरेस्पोंडेंस पे जाके यहाँ पे हम डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे हम पिन डालेंगे, जयपुर का कोई भी पिन डाल देंगे और यहाँ से हम कोई भी पोस्ट ऑफिस चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, रीजन नीचे आने पे आपको वही पेमेंट मोड का ऑप्शन देगा और आप पेमेंट मोड कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि सभी को पता लग सके कि कैसे ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है। अब देखिए हमने इसमें भरा क्या है, पैसेंजर की डिटेल भरी है, जो भी कोई अटेंडेंट होगा अटेंडेंट का पास नंबर भरा है और उसका जो पास बुकिंग कोड था वो हमने HRMS में यहाँ से ये पास वाला है ये वाला इसका यहाँ से ये जनरेट किया है, इसका यहाँ से हमने ये जनरेट किया है। उसके बाद आते हैं हम नीचे और या कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा हमारा वैलिडेट कर लिया इसने। अब ये देखिए ट्रेन नंबर दिखा दिया, किस डेट को आपका रिजर्वेशन है और क्या नाम है और टोटल फेयर 0 है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ये कैप्चा डालना है, ये वाला कैप्चा है ये वाला, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर के लिए हमें प्लीज़ वेट कहेगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।
और आपको एचआरएमएस में कहाँ पर समस्या आ रही है उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है, आपका कोई सजेशन है, मैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट दे सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा रिजर्वेशन हो गया है, अटेंडेंट का रिजर्वेशन सक्सेसफुली हो गया है, ये कंफर्म भी हो चुका है। S4 में 44 नंबर बर्थ है, ये PNR नंबर हमारा आ चुका है, और ये देखिए टोटल फेयर 0 है। यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये हमारा पूरा प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि कैसे आप अटेंडेंट का टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट से, अपने HRMS के ई पास से। आई होप दोस्तों आपका जो ये अटेंडेंट का टिकट बुक करने का डाउट था, बहुत सारे जो कमेंट थे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे किसी को इस तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।